चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे सेफेस्ट हाईवे कहा जाता है उसकी। ये सेफेस्ट हाईवे हादसों का हाईवे बन गया है इन दिनों। सोहना से सवाई माधोपुर तक टूटी हुई सुरक्षा की दीवार, कई जगह उखड़ी स्ट्रेच इस बात की गवाही देती है कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। लोग अब इस हाईवे पर आने से कतराने लगे हैं, डरने लगे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि ट्रैफिक अभी 25% भी नहीं है। क्या हालात है इसके लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई एक्सप्रेस वे कितना से ग्राउंड जीरो पर पहुंचा फर्स्ट इंडिया न्यूज। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर क्यों हाईवे बनता जा रहा हादसों का एक्सप्रेस वे? एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आंखों देखी। कहने को तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बेरोक टोक रफ्तार और सरपट दौड़ती गाड़ियों के लिए बना, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध ढाबे, अवैध पार्किंग, जगह जगह उखड़ी सड़कें, आवारा घूमते जानवर और जगह जगह टूटी सुरक्षा दीवार, ये सब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हकीकत बयां कर रहे हैं। ये हालात तब है जब अभी तक हाईवे पर 25% भी ट्रैफिक नहीं। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट और देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है? यातायात इस पर शुरू हो चुका है। सोहना से दिल्ली और दिल्ली से सवाई माधोपुर तक यातायात इस पर जारी है, लेकिन सुरक्षा दीवार कैसी है, किस तरह के यहाँ हालात हैं, यात्री सुविधाएं किस तरह की हैं, क्यों इस पर दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे एक ऐसा रियलिटी चेक जिससे आपको पता पड़ेगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के क्या हालात हैं। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मौजूदा हालातों से। जो वादे हुए थे वो अभी तक कितना पूरे हुए हैं? तो दावा किया गया था कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दौसा से दिल्ली दूरी करीब 3 घंटे कम हो जाएगी, लेकिन हकीकत में सिर्फ 1 घंटे का ही फर्क। पूरी स्ट्रेच पर 4 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार का भी दावा था, हकीकत में हर 20 मीटर बाद सुरक्षा दीवार गायब है। 1,00,000 वाहन दूसरे एनएच से शिफ्ट होने का दावा था, लेकिन अभी तक पूरी क्षमता का 25% भी वाहन भार नहीं। हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन बचने का दावा किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि काम पूरा नहीं हुआ। तो राहत भी नहीं मिल रही। दावा था कि दिल्ली मुंबई की दूरी 150 किलोमीटर घटेगी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ तो राहत भी नहीं मिली। गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने का दावा था, लेकिन सुरक्षा दीवार ही टूटी है, इसलिए हादसे बढ़ रहे हैं। NH8 पर वाहनों का दबाव कम होने का दावा था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ तो राहत कहां से मिलेगी? 1,00,000 वाहन एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट करने के भी दावे थे, लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। हर 50 किलोमीटर पर एक रेस्ट एरिया बनाने का दावा था, लेकिन हकीकत में सिर्फ एक बना है, बाकी का काम अधूरा पड़ा है। सोहना से सवाई माधोपुर तक यात्री सुविधा की बात थी, पर अभी तक महज एक ही रेस्ट एरिया शुरू हो सका है। 8 लेन के दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 373 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। करीब 16,600 करोड़ रुपए राजस्थान में इस पर खर्च किए गए। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा होकर ये मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है। प्रोजेक्ट को जनवरी 2023 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका। अधूरे हिस्से में ही 2 साल पहले ट्रैफिक शुरू कर दिया गया। अब यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान के पूरे हिस्से में जगह जगह सुरक्षा दीवार टूटी है, मवेशी सड़क पर आते हैं और लोग दुर्घटना में जान गंवा रहे हैं। दीवार तोड़कर लोगों ने अवैध ढाबे बना लिए, जहां ट्रक और दूसरे भारी वाहन अवैध ढंग से पार्क किए जा रहे हैं। खुद NHAI के कर्मचारी इन ढाबों पर सेवाएं लेते दिख जाते हैं। सुरक्षा दीवार के स्लैब लोगों ने अपने घरों में लगा लिए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे परियोजना NHAI द्वारा एक विश्व स्तरीय योजना के रूप में
हाथ में ली गई थी, परंतु प्रथमतः तो यह योजना समय अनुसार पूर्ण नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त इसके प्रथम चरण जो कि गुड़गांव सोना से दौसा के बीच में चालू किया गया था, वह सेक्शन 2 वर्ष की कम अवधि में ही अपनी खराब गुणवत्ता को दर्शा रहा है। इस योजना में काफ़ी लागत से जो भूमि आवाप की गई थी उसके दोनों ओर सीमेंट कंक्रीट की 4 दीवारी बनाई गई थी, परंतु यह देखा गया है कि यह 4 दीवारी अनेकों जगह ग्रामीणों या अन्य व्यक्तियों द्वारा तोड़ दी गई है, जिसके कारण इस परियोजना की जो असेस कंट्रोल की बात थी वह गौण हो गई है। इसके अलावा समय समय पर यह भी देखा गया है कि ट्रक इत्यादि पार्किंग निषिद्ध होने के बावजूद भी सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग कर देते हैं, जिससे भी दुर्घटना का अंदेशा रहता है। पिछले 2 वर्षों का जब से परियोजना में प्रारंभ हुई है, यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो सैकड़ों लोगों की मृत्यु इस हाईवे पर हो चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जिस भावना के साथ बनाया वो यह थी कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई तक का सफर सरल, सुगम हो, सुरक्षित हो, दुर्घटना न के बराबर हो, और जो 25 घंटे का सफर था वो महज 12 घंटे का रह जाए। लेकिन ये एक्सप्रेसवे दुर्घटना का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। उसका सीधा कारण ये है कि यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेसवे पर आप जगह जगह से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, ये ट्रक यहाँ अवैध रूप से जैसे पार्किंग हो रही है ट्रकों की, उसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ से कि ये जिस तरह के यहाँ जगह जगह ढाबे जो सुरक्षा दीवार को तोड़ करके ढाबे बना दिए गए हैं, यहाँ पर ट्रक रुकते हैं, सुरक्षा दीवार तोड़ दी गई है, यहाँ से मवेशी ऊपर आते हैं, मवेशी ऊपर आते हैं गाड़ियों से टकराते हैं, दुर्घटना होती है, लोगों की जाने जाती हैं। एक लंबी कतार यहाँ पर आप अवैध रेस्टोरेंट्स की देख सकते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति यह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, सुरक्षा दीवार सैकड़ों किलोमीटर में टूटी हुई है। खासकर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर दौसा का जो क्षेत्र है, डीके चौधरी यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनसे भी बात करने की कोशिश की तो पहले तो वो अव्वल तो वो बात करने को तैयार नहीं होते, लेकिन बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि FIR करा देंगे, देखेंगे किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है, हकीकत आप देख सकते हैं कि एक अवैध ढाबों की लाइन लगी हुई है, सुरक्षा दीवार जगह जगह से टूटी हुई है, यहाँ से मवेशी ऊपर आते हैं तो वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कई लोगों की अब तक यहाँ पर जान जा चुकी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस भावना के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाया गया था वो भावना तो यहाँ पर दम तोड़ती दिखाई देती है, साथ ही साथ इंसानों की जिंदगी भी यहाँ पर सुरक्षित रास्ते के नाम पर इसके ऊपर आते हैं और अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि जल्दी से जल्दी इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सार संभाल की जाए, इसकी सुरक्षा दीवार को पुख्ता किया जाए, यहाँ से जो जिस तरह से अवैध ढाबे और तमाम अवैध जो पार्किंग हो रही है उनको हटाया जाए, अन्यथा ये एक किलर एक्सप्रेसवे के तौर पर जाना जाएगा। दरअसल देश के सबसे लंबे और सुविधा संपन्न एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भरोसे से कई वायदे किए, लेकिन NHAI के अधिकारी ना तो मंत्री की मंशा के अनुरूप काम करा सके, ना ही आमजन की सुरक्षा से उन्हें कोई लेना देना। यही कारण है कि 1344 किलोमीटर की इस अहम प्रोजेक्ट पर समय खत्म होने की 1.5 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। ऐसे में देश का सबसे सुरक्षित होने के बजाय देश का सबसे डरावना और सबसे खतरनाक एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने निकल रहे हैं तो जरा संभल कर, यहाँ कई किलोमीटर तक सुरक्षा दीवारें टूटी हुई हैं जिनसे मवेशी कभी भी आपके वाहन के आगे आकर के आपको दुर्घटना का शिकार बना सकते हैं। यहाँ पर अनाधिकृत ढाबे खुल गए हैं, सुरक्षा दीवार तोड़कर जगह जगह ढाबे और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं जिन पर ट्रकों की और दूसरे वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्ट्रेच कई जगह से उखड़ गई है, कई जगह इस तरह से वाहनों को झटके लगते हैं, धचके लगते हैं कि वो कभी भी अगर स्पीड से जा रहे हैं तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जिस भावना के साथ बनाया गया था उस भावना के साथ NHAI न्याय नहीं कर पाया, इसलिए जरा जब आप इस एक्सप्रेसवे पे निकलें तो संभल कर निकलिए, सोच कर निकलिए, देख कर निकलिए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे।